साथियों महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों यदि आप भी उन पर्संस में से उन व्यक्तियों में से एक हैं जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बहुत मन करता है कि सभी बोल रहे हैं ऐसे हम भी बोलें लिखें मैं भी अंग्रेजी सीख जाऊं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, क्यों? अंदर एक डर बैठा होता है। डर इस बात का होता है जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा कुछ भी करूंगा अंग्रेजी में वो गलत होगा। तो आज का वीडियो ऐसे व्यक्तियों के लिए है, मैं आपको बताऊंगा कि आप शुरुआत कैसे करें। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई तो वो डर आपका निकल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे करो शुरुआत। अगर मैंने जैसे बताया वैसे आपने शुरुआत कर दी तो आपको डर निकल जाएगा, क्योंकि शुरुआत आपकी बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं बोलने वाले हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऐसे लर्नर्स के लिए जिनके अंदर डर बैठा पड़ा है कि मैं गलत बोलता हूं। अरे नहीं, आप सही बोलोगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी, देखिए आपको पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर एक साथ सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से चाहिए सारे टॉपिक्स। तो ऐसे लोगों के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें हमने सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस यानी सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यदि परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज का वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा ऐसे बेसिक लर्नर्स के लिए जो अंग्रेजी बोलने से हिचकिचाते हैं। तो देखिए ऐसे करो शुरुआत। शुरुआत आप छोटे-छोटे सेंटेंस से करो, मतलब बहुत छोटा सेंटेंस कितना हो सकता है, अरे एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, आप उसे बोलिए। अच्छा उसे कब बोलना है, जब भी आप किसी से कुछ करने को कहें उसे बोल दो, आप करेक्ट ही बोलोगे। जैसे देखिए आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि जाओ, तो आप हिंदी क्यों बोलते हो, आप अंग्रेजी में बोल दो ना गो, जाओ एक सेंटेंस है। यानी आज के बाद आपको जब भी कहना है किसी से जाओ तो आप बोलो गो। अरे नहीं कहना है जबरदस्ती करके अपने भाई बहनों मतलब फादर मदर किसी को गो जाओ, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम विस्तार भी दे सकते हैं, जैसे आप ये कह सकते हो गो आउट बाहर चले जाओ, ठीक है थोड़ा सा और बढ़ गया सेंटेंस। आप ये कहना चाहते हो गो आउट ऑफ द रूम कमरे से बाहर चले जाओ, तो गो आउट ऑफ द रूम, अब ये सेंटेंस और भी बड़ा हो गया। लेकिन अब आप कहोगे सर आप तो बड़ा कर रहे हो, ठीक है मत करो, आप शुरुआत में बस गो जाओ एक सेंटेंस है। ध्यान रखना सिंगल वर्ब यानी क्रिया यदि सिंगल है और आपने उसको बोल दिया तो एक सेंटेंस है, उसमें एक आदेश है, आप किसी से कुछ करने को बोल रहे हो। अच्छा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे इन चीजों को जानते हो, बट प्रैक्टिकल में लाइए, क्योंकि शुरुआत में छोटा सा सेंटेंस है, मिस्टेक हो ही नहीं सकती। भाई आपने कहा सिट बैठो, गो जाओ कम आओ, लिसन सुनो लुक देखो, तो ये सारे के सारे सेंटेंस है, एक ही वर्ड के सेंटेंस है और करेक्ट हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होगा क्योंकि आपने सही बोला है। तो गो जाओ कम आओ लिसन सुनो लुक देखो। अब जैसे लुक है देखो, जैसे आप कह रहे हो देखो, अब ये कह रहे हो लुक एट मी मेरी ओर देखो, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अच्छा लुक हेयर इधर देखो, लुक देयर उधर देखो, लुक एट दोज काउज उन गायों की तरफ देखो, कोई भी चीज है तो ऐसे सेंटेंस बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोटा छोटा, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस में लानी है चीज, मेन बात क्या है, देखिए वीडियो का मोटो ये नहीं है कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस सिखा रहा हूं, मैं आपको बोलना सिखा रहा हूं। आप शुरुआत ऐसे कर दो, मतलब किसी से कुछ कहना है तो जिस काम को करने के लिए कहना है उस काम की अंग्रेजी यानी वर्ब को बोल देना है, सेंटेंस होता है। और थोड़ा अगर विस्तार कर दो तो फिर ठीक है हो ही जाता है। आगे जैसे कुछ और वर्ब हैं जो रोजमर्रा के काम आते, सिट बैठो, जैसे आपका दोस्त आया आपके घर में तो क्या बोलोगे, ये मत बोलो बैठ जाओ, सिट बैठो बोल सकते हो ना। अरे थोड़ी सी जो हिचक है नहीं बोलने की वो तो आपको निकालनी पड़ेगी, शुरुआत हो जाती है क्योंकि आपका सेंटेंस करेक्ट है। मतलब किसी से कुछ काम करने को कहो तो उसकी अंग्रेजी जो वर्ब है उसको बोल दो, आपने उससे कह दिया यानी वो एक आदेश हो गया, कुछ करने के लिए कहना हो गया। अभी मैं आपको इसमें और थोड़ी बारीकी बताऊंगा, शुरुआत तो ऐसे करो सिट बैठो। जैसे आप कह सकते हो रीड पढ़ो, ठीक है इस तरह से आप कह सकते हो रीड पढ़ो, डू करो, जैसे डू करो डू इट इसे करो, या फिर आप कह सकते हो डू दिस वर्क इसे करो। आप पेरेंट्स से अपने बच्चे को बोलना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, इस तरह से आप कह सकते हो। यानी सेंटेंस बड़े हो जाते हैं, यानी सबसे पहले तो ये वर्ब यानी काम, उसके बाद उससे रिलेटेड जो चीज है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाती है। जैसे मैं सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूं, जैसे ये तो मैंने बढ़ाया था गो आउट बाहर चले जाओ, क
कम हेयर, इधर आओ, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लुक हेयर, इधर देखो, या लुक एट मी, मेरी ओर देखो, सिट हेयर, यहां बैठो, या हम ये कह सकते हैं सिट इन दिस चेयर, इस कुर्सी पर बैठो। अब मैंने इन क्यों लगाया, कुर्सी पर बैठने के लिए इन ही आता है, क्योंकि उसमें जो डंडे लगे होते हैं ना, तो एक अंदर का भाव हो जाता है, अंदर एक घेरा हो जाता है, उसमें इन आएगा। वैसे आप गलती करें ऑन लगा दें तो कोई टोकने वाला नहीं है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी ग्रामर की बात नहीं है, छोटी सी बात है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे सिट ऑन दिस चेयर, सिट ऑन दिस टेबल, सिट हेयर, यहां बैठो। जैसे रीड इट, इसे पढ़ो। जैसे रीड योर बुक, अपनी बुक पढ़ो, ठीक है, इस तरह से रीड न्यूज़पेपर, डू योर होमवर्क, करना। तो ये सेंटेंस थोड़े बड़े हो गए, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हो। क्या कर रहा हूँ, मैसेज क्या है, शुरुआत कर ही देनी है, मतलब ऐसे वीडियो देख के हाँ सुन लिया यार, ये भी एक ट्रिक है, अरे काम करेगी, क्योंकि करेक्ट बोलोगे कॉन्फिडेंस आएगा। और अंग्रेजी बोलने में मेन चीज कॉन्फिडेंस की होती है, ध्यान रखना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप बोल दोगे, आप परवाह नहीं करोगे, गलत है सही है बोल दोगे। और ध्यान रखना, बोलना इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो बोलोगे वो करेक्ट है। अच्छा, आप बात को थोड़ी आगे बढ़ाएं, ये सिंपल सेंटेंस है, यानी हम जब किसी को आदेश दें। अगर मैं थोड़ी ग्रामेटिकल बात करूं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जाऊं, तो ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अच्छा, अब बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, आप किसी से मना कर रहे हो, एक तो आप आदेश दे रहे हो, कुछ करने को बोल रहे हो, तो ऐसे शुरू होंगे। अब आप कर रहे हो मना, आप उससे कह रहे हो कि बाहर मत जाओ, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप डोंट लगा सकते हो, और वो भी एक सेंटेंस होता है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। सेम डोंट कम हेयर, यहां मत आओ। डोंट लिसन टू मी, मेरी बात मत सुनो। डोंट लुक हेयर, इधर मत देखो। डोंट सिट हेयर, यहां मत बैठो। डोंट रीड योर बुक, अपनी बुक मत पढ़ो। डोंट डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क मत करो। यानी अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने डोंट लगा दिया, तो वो मना करने का आदेश हो गया, आपने किसी से कुछ मना करने के लिए बोल दिया। तो कई बार हमें मना भी तो करते हैं ना, तो आप घर पे ही इनकी शुरुआत कर दीजिए। किसी से कुछ कह रहे हो तो यहां से शुरुआत कर दो, मना कर रहे हो तो यहां से कर दो। जैसे आप अपने छोटे भाई से कह रहे हो डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, ठीक है, डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, या डोंट कम हियर, इधर मत आओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो ऐसे इनको पकड़ लो और यूज में लेना शुरू कर दो। अच्छा, इसके अलावा अब अपने छोटे भाई को तो बोल दिया कि ये करो या मत करो, लेकिन आपके फादर हैं, मदर हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनसे अगर हम कुछ करने को कहें तो फिर कैसे कहें? बहुत आसान है, देखिए स्ट्रक्चर तो यही है। डोंट वाला तब यूज करते हैं जब मना करते हैं। आप कह रहे हो अपने फादर से कि बाहर जाओ, आप कह रहे हो गो आउट, उनको बुरा लग सकता है, तो फिर थोड़ा विनम्र हो जाइए, और विनम्र होने के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उससे पहले प्लीज लगा दो, प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाइए। अब देखिए, आपने बोल भी दिया, उनको बुरा भी नहीं लगा, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है अब भी, लेकिन इनकी शुरुआत प्लीज काइंडली से भी हो सकती है, और प्लीज काइंडली कहाँ आते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, अब भी वही सेंटेंस है, स्ट्रक्चर वही है। तो इन सबसे पहले प्लीज लगा दिया, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो, प्लीज लुक हियर, कृपया इधर देखो, प्लीज सिट हियर, कृपया यहां बैठ जाओ, प्लीज रीड योर बुक, कृपया अपनी बुक पढ़ो, प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज अपना होमवर्क करो, कृपया अपना होमवर्क करो। तो आप शुरुआत में ऐसे सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं है, बस सिंपल सा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो एक तो आपको यह करना है, इसके अलावा छोटे छोटे सेंटेंस, सिर्फ सब्जेक्ट, हाँ एक चीज और रह गई यार, देखिए इन सेंटेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इनमें जो सामने खड़ा है जिससे आप कुछ कह रहे हो ना, आप उसी से कह रहे हो, तो उसका मेंशन नहीं होता। हम कह सकते हैं कि इनमें सब्जेक्ट है ना, जो करने वाला, भाई जाने वाला कौन है, सब्जेक्ट है, और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, बट इंपरेटिव सेंटेंस में वो हिडन होता है, छुपा होता है, यानी एक हिडन यू होता है, सामने जो यू है ना, तुम जाओ, तो तुमको नहीं बोलते, सिर्फ जाओ ये बोल देते हैं, यानी सब्जेक्ट तो है जो यू है, बट वो हिडन होता है। लेकिन आप नाम लेके किसी को कहना चाहते हो कि तू ये कर, तू जा, आ, बैठ, पढ़, कुछ भी कर, तो आप उसका नाम ले सकते हो। यानी आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आपका छोटा भाई है मुकुल, आप उससे कह रहे हो कि गो आउट, तो मुकुल गो आउट, मुकुल उसका पॉज लो, हल्का सा रुको, मुकुल गो आउट, मुकुल बाहर जाओ, ठीक है। अगर आप इसको बोल रहे हो तो पॉज लो, यानी थोड़ा सा रुको, और अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है। तो आप इन सभी से पहले जिसको आप बोल रहे हो करने के लिए, उनका नाम ले सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाम बोलना नहीं है, भाई हम तो बोलते हैं ना नाम, जैसे कि रोहन इधर आ,
नाम भी लिया ना, रोहन इधर आ, रोहन इधर देख, रोहन मेरी बात सुन, रोहन पढ़, इस तरह से। तो आप नाम ले सकते हो लेकिन एक पॉज है, रोहन इधर आ, रोहन मुझे देख, इस तरह से। तो आप नाम ले सकते हो, नाम के बाद पॉज लो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये टू वर्ड्स हो जाएंगे, एक जिसे संबोधित किया और दूसरा आप जो करने को बोल रहे हो वो आप बोल ही रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा अब नेक्स्ट फेज में छोटे छोटे सेंटेंस, यानी जो टेंस ले रहा हूं मैं, लेकिन टू ही वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, थोड़ा प्रैक्टिस करें और अपने बारे में बताएं। जैसे देखिए, मैं यहां पर इसको हटा देता हूं पहले। अब ये मत कहना कि सर डस्टर नहीं है क्या आपके पास, डस्टर तो है बट कपड़े से बिल्कुल अच्छा साफ हो जाता है, और डस्टर जो होता है ना उसे बार बार जब हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, तो उसमें चौक लगा रह जाता है, फिर ये सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा ऐसा, लेकिन कपड़े से एक बार में ही अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो, आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो, तो जो हम अपने बारे में किसी को बताते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या आदतें हैं, क्या तुम्हारा स्वभाव है, तो हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, बट आप थोड़ा थोड़ा बताएं। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, करेक्ट है, यानी आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आई प्ले। अब थोड़ा और बढ़ें, सिंपली है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मतलब वो पूछे कि भाई तुम क्या करते हो, वैसे ही फेंक दिया करो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, कॉन्फिडेंस आएगा, सेंटेंस करेक्ट है, छोटा सा सेंटेंस है। जैसे आई सिंग, मैं गाता हूं। जैसे आप कह सकते हो आई डांस, मैं डांस करता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। और अगर आप ये नहीं करते हो तो डोंट लगा दो, वो वाला डोंट नहीं, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। जैसे आप कह दो आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ये भी अपने बारे में कुछ बताना है कि आप ये नहीं करते हो। आप कह सकते हो आई डोंट सिंग, मैं नहीं गाता हूं। इन चीजों को पकड़ लो, नोट कर लो कि हमें ये बोलना है जब अपने बारे में किसी को बताना है। आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता हूं, इस तरह से। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप पास्ट में कुछ बता रहे हो कि जैसे मैं गया था, मैं खेला था, तो वहां पर सेकेंड फॉर्म लगा दो। जैसे आई प्लेड, मैं खेला था, छोटा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, मतलब पास्ट में बताएं कि आपने कुछ किया था, कल किया था, परसों किया था, पिछले सप्ताह, पिछले महीने, तो वहां पे आप सेकंड फॉर्म लगाओगे। मतलब अपना सब्जेक्ट तो आप अपने बारे में शुरुआत कर रहे हो, खुद के बारे में बता रहे हो, तो आई आएगा, उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई प्लेड, मैं खेला था, आई सेंग, मैंने गाया था, आई डांस्ड, मैं नाचा था, कहाँ, इन द पार्टी, बस छोटा सा वर्ड हो रहा है, इन द पार्टी, पार्टी में। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेला था, बढ़ भी सकता है कि प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेला था, इस तरह से। आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया था, इन द पार्टी, पार्टी में, इस तरह से। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोल करके आप शुरुआत कर सकते हो, मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, इंग्लिश ऐसा कोई हवा नहीं है, शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत एक बार बिना गलती के हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल से हो गई, तो फिर आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। यानी अरे आप तो ये समझो, आपको सही अंग्रेजी बोलने का मजा लेना है ना, तो इन सेंटेंस को बोल करके वो मजा पूरा कर लीजिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर आपको ये शौक पूरा करना है तो आप इन सेंटेंस के साथ कर सकते हो। और ध्यान रखना, एक बार अगर आपको लगा कि मतलब अंदर से डर नहीं आया, आपको अच्छा फील हो ना, तो फिर आगे अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा, आप और भी बेहतर कर सकोगे, बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल सकते हो, बट शुरुआत आपकी बेहतर होनी चाहिए, और बेहतर शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। मतलब आज की वीडियो में ज्यादा नहीं पढ़ाना, बस शुरुआत करवानी है, मतलब दिल से बोल रहा हूं, कर दो शुरुआत यार, हो जाएगी, ठीक है। तो यह था वीडियो, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।